वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिंपनी, आ गई हूँ आज आपके लिए बहुत दिनों के बाद एक कलेक्शन वाला वीडियो लेके। तो अभी इंस्टा में मैंने कुछ मेरे फोटोज डाला हुआ था एंड उस फोटोज को देख के बहुत लोगों को कुछ ड्रेसेस का इनफैक्ट मैंने फोटोज डाला हुआ था, तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग डीएम कर रहे थे कि दी ये ड्रेस कहाँ से लिया, वो ड्रेस कहाँ से लिया, आपका न्यू कलेक्शन दिखाई है मैक्सी ड्रेस का। तो ये जो कलेक्शन होगा, मेरे जो न्यू कलेक्शन है मैक्सी ड्रेस का, यानी जो लॉन्ग ड्रेस आजकल आते हैं वेस्टर्न डिजाइन में, उसका मैं आज एक हॉल बना रही हूँ और कलेक्शन वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये इस बार में मैं मैक्सी ड्रेस का सारा कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं मिडी लेंथ की जो न्यू कलेक्शन मेरे पास है, अभी रिसेंटली मैंने परचेज किए हैं, वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए लेट नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे हमारा आज का ये कलेक्शन। तो कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं जब अब रिसेंटली बैंगलोर गई थी फॉर अ वैकेशन और व्हाटएवर लाइक दैट, तो वो टाइम में ना मैंने कुछ शॉपिंग किया है एंड ये जो सारे ड्रेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी, कोई कुछ भी ऑनलाइन मैंने परचेज नहीं किए हैं। नॉर्मली मेरे जो कलेक्शन आता है वो सारे ऑनलाइन आता है, लेकिन इस बार ये सब मेरा ऑनलाइन कलेक्शन नहीं है, कुछ गिफ्ट्स में मिले हैं, कुछ हम लोगों ने परचेज किए हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ इस बार मैंने क्या क्या लिया हुआ है मेरे मैक्सी ड्रेस के कलेक्शन। तो चलिए पहले कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। पहला जो कलेक्शन है वो है ये वाला, ये एक लॉन्ग ड्रेस है, ये आप देख सकते हो, इसके हैंड्स कुछ इस तरह से हैं एंड ये इसका लेंथ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लेंथ है। मैं साइड में पहन के भी आप लोगों को दिखा दूँगी जैसा क्या लगता है। तो ये मुझे इस बार जो मैं बैंगलोर गई थी, मेरी बुआ के घर गई थी, बुआ ने मेरे को ये एक ड्रेस मेरे को गिफ्ट दिया था, एक नहीं बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा दूँगी एंड ये इसका पहन के भी मैं दिखा दूँगी। प्राइस मेरे को नहीं पता क्योंकि ये गिफ्ट आइटम है, तो इसका प्राइस मैं नहीं बता पाऊँगी। नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो है ये जो ड्रेस मैंने आपको पहना हुआ है। तो नेक्स्ट जो कलेक्शन है ये वाला एक ड्रेस है जो कि उसी पैटर्न में है एंड उसी का जो मैंने पहले आपको जो दिखाया ना उसी का ही एक ग्रीन कलर का ड्रेस है। इसका जो नेक का डिजाइन है उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हैंड वगैरह आप देख सकते हो उसी तरह सेम है। मैं साइड में मेंशन कर दूंगी ये पहनने के बाद कैसा दिखता है, वही लेंथ है, बहुत ही अच्छा ड्रेस है एंड सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप इसको अगर घर में भी डेली यूज में यूज करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफॉन में है, शिफॉन मटेरियल में है एंड आप इसको डेली यूज करोगे अगर, तो आपको कुछ वैसा फील नहीं होगा, या फिर आप कहीं आसपास जा रहे हो, कोई भी छोटे मोटे काम के लिए जा रहे हो, तो आप इसको कैरी कर सकते हो, इजीली आपका ये कैरी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फील होगा इसको पहनने के बाद। तो ये कलर है एंड जो ब्लू कलर मैंने आपको दिखाई, ये दो मैंने मेरे को बुआ ने दिया था, और भी कुछ दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। तो चलिए और एक कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो कलेक्शन है ये हम लोगों ने जाके एक्चुअली मैं पहन के देखी थी कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो ये जो कलेक्शन है ये भी एक लॉन्ग फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक इसको आप नहीं बोल सकते, लॉन्ग नहीं है और मिडी नहीं है, वो मिडिल लेंथ का एक है ड्रेस, ये हाई नेक में है एंड इसका जो ब्रांड है वो है बॉम्बे पेस्ली। ये हम लोगों ने जाके मॉल से लिया था एंड मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। इसमें एक बेल्ट है, आपका फिगर के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। मैंने इसका एक्सेल साइज लिया हुआ है क्योंकि इसका एल मेरे को नहीं आ रहा था। नॉर्मली सारे जो ब्रांडेड्स होते हैं मैं उनका एल साइज लेती हूँ, लेकिन इसका एल साइज मेरे को नहीं आ रहा था एंड एक्सेल इसका पूरा परफेक्टली फिट आ रहा है। जबकि कभी कभी मैं एक्सेल लेती हूँ एंड उसको अल्टर करके पहनती हूँ, लेकिन इसका मुझे एल नहीं आया एंड एक्सेल मेरे को पूरा प्रॉपरली फिट आया। लेकिन ये एक स्लीवलेस ड्रेस है, ये आप हैंड देख सकते हो, ये स्लीवलेस है, तो ये पहनने के बाद कैसा क्या दिखता है मैं भी साइड में मेंशन कर दूंगी। हाँ, इसका प्राइस अगर मैं बताऊँ तो ये हम लोगों ने बुआ और मैं मिलके मॉल गए थे, उधर से हम लेके आए, तो इसका प्राइस शायद हमको 1699 के अराउंड पड़ा ये ड्रेस। तो
ये एक ड्रेस है. अनदर ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी एक स्लीवलेस है एंड लॉन्ग गाउन है. इसका प्रिंट आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल प्रिंट है इसका. और इसका एक अच्छी बात इसका ये है कि यहाँ पर आपको इसे इलास्टिक मिल जाएगा जो कि आपके बॉडी के हिसाब से ये फिट हो जाएगा. यहाँ पर भी बेल्ट है, लेकिन आप बेल्ट पहन सकते हो नहीं पहन सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये ड्रेस जो है फ्लोरल प्रिंट है, ये मैंने दिया हुआ है. ये एग्जीबिशन से हम लोगों ने इसे ही कलेक्ट किया था एंड इसका प्राइस भी वही 1599 के करीब ही मेरे को पड़ा था. तो ये ड्रेस हो गया. नेक्स्ट जो ब्यूटीफुल सा ड्रेस मेरे को हुआ ने इस बार दिया है, मुझे वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये हम लोगों ने लाइफस्टाइल से सॉरी वेस्ट साइड से लिया था. वेस्ट साइड में ऐसा कलेक्शन आप लोगों को मिल भी जाएगा आप अगर चेक करोगे. इसका जो ब्रांड है वो है इट वे ऑफ लाइफ. तो वहाँ से हम लोगों ने ये वाला लिया. ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है, हाई नेक में है एंड इसका फ्रंट का डिज़ाइन आप देख सकते हो. इसका फ्रंट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है एंड ये नीचे में ना आपको ऐसे लेयर 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 के आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. इसका जो फ्रिल है ना वो इतने अच्छे से आपके बॉडी के साथ मिल जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है. बहुत ही अच्छा एक क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा लगता है ये पहनने में एंड कपड़ा इट्स जस्ट ऑसम. इसका कपड़ा आपको पहनने जैसा नहीं लगेगा, इतना सॉफ्ट है, प्योर सिफन में है एंड इसका प्राइस हमको शायद 2299 पड़ा था. ये वाला जो ड्रेस है 2299 में ये हम लोग ये मेरे को बुआ ने लिया था. एंड नेक्स्ट एक ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस. इसको बहुत ज़्यादा अल्टर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा आ रहा है मेरे को. ये भी वही इट इट द वे ऑफ लाइफ उसी से ही हम लोगों ने लिया है. ये पूरा पार्टी वेयर ड्रेस है, जस्ट अ मिनट, ये पूरा पार्टी वेयर में है. अब देख सकते हो इसके फ्रंट में ऐसे स्टोन वर्क्स है, कैन सी. एंड इसका फ्रिल इसके नीचे के पार्ट में ये वाले वर्क है, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस इट इज. बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद, बहुत ही अच्छा लगता है एंड इसका हैंड्स कुछ इस तरह से है, फुल हैंड्स है इस तरह से, बहुत ही अच्छा लगता है. एंड ये जो वाइट ब्लैक मैंने दिखाया एंड ये जो ब्लू वाला दिखाया ना, ये दोनों आप घर में वॉश नहीं कर सकते, ये ड्राई क्लीन करना पड़ेगा. यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है ड्राई क्लीन ओनली, ओके. और इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो ये उसका प्राइस भी शायद वही 2800 के अराउंड ये फ्रॉक आया था. बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है ये, थोड़ा हायर साइड में है. नेक्स्ट जो ड्रेस है ये ड्रेस मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये जो ड्रेस है ना, ये पूरा जो पैटर्न उसका एक डंगरी की तरह है, डंगरी डंगरी की तरह नहीं डंगरी है लेकिन लॉन्ग लेंथ में है एंड ये मेरे को मेरे भाई ने गिफ्ट किया था. उसका न्यू कंपनी में ज्वाइनिंग होने के बाद जब मैं बैंगलोर गई थी तो उसने मेरे को ये वाला ड्रेस गिफ्ट किया था. आप लोगों ने देखा भी होगा मैंने बहुत सारे रील्स एंड ड्रेस इसमें वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है. तो ये एक लॉन्ग लेंथ का डंगरी है, यू कैन सी. आप ये पूरा ऐसे स्ट्रैप वाला ड्रेस है. मैं तो ऐसे ड्रेस नहीं पहनती नॉर्मली और यहाँ पर इसके जो वेस्ट में ना ऐसे ऐसे कट है. मैं नॉर्मली ऐसे ड्रेस नहीं पहनती खाली में, तो मैंने इसके अंदर में एक क्रॉप टॉप लिया था वाइट कलर का, वाइट एंड ब्लू चेकर्ड का, एक वाइट कलर का भी एक लिया था एंड वाइट ब्लू चेकर्ड का भी एक लिया था मैंने, जो कि मुझे इसके अंदर में पहने बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था. बहुत छोटा छोटा छोटे छोटे टाइम में हम लोग स्कर्ट एंड मेडी पहनते थे ना, उसी का फीलिंग आ रहा था. ये हम लोगों ने लाइफ स्टाइल से लिया था. ये जो डंगरी है उसका कॉस्ट हमको अराउंड 1499 आया था. ये अभी भी अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो. मुझे कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, ये मैंने लिया था. एंड नेक्स्ट जो है ये एक बांदनी प्रिंट का ड्रेस है जो कि मेरी मम्मी ने मेरे को गिफ्ट किया था जब मैं इस बार उड़ीसा गई थी. ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था,
लेकिन ये वाला जो ड्रेस है मुझे बहुत पसंद है, प्योर रेड में है एंड उसका हैंड ऐसा है, बहुत सिंपल है लेकिन पहनने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है एंड बहुत खिलके आता है इसका जो ड्रेस का जो पहनने के बाद। प्योर कॉटन में है ये। तो ये थे मेरे सारे जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरे सारे मैक्सप्रेस के कलेक्शन। आई होप कि मेरे जो ये ड्रेसेस का कलेक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड और एक बात, आप लोगों को अगर और कुछ कलेक्शन वीडियो देखना है, कुछ लोग मेरे कुछ वीडियो में मेरे को आया था कि ये आपका गोल्ड का जो सारे पौला है उनका कलेक्शन दिखाया, बहुत कलेक्ट करती हूँ तो दिखाया क्या क्या कलेक्शन है, तो मैं सोच रही हूँ वो दिखाने के लिए, लेकिन वो क्या होता है ना, सब कुछ तो घर में नहीं रहता आप लोगों को पता है, तो उसको उसका वीडियो शूट करने के लिए मेरे को पहले से प्लान करना पड़ेगा, फिर हस्बैंड को एक दिन जाके उसको बैंक से लाना पड़ेगा, फिर जाके मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, अभी धीरे धीरे जो जो आता है मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो। तो फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।